नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक और न्यू अपडेट है जो कि एम्स जोधपुर रिक्वायरमेंट 2022 जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर से निकली हुई है। इसकी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट नंबर डीन एकेडमिक जो कि एम्स जोधपुर से आया हुआ है, तो इसकी जो भी वैकेंसी है वो सीनियर रेसिडेंट वैकेंसी होने वाली है। 131 पोस्ट हैं इसमें। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो वो ऑफिशियल वेबसाइट एम्स जोधपुर जॉब्स पर जाके 22 जुलाई 2022 के पहले ही फॉर्म सबमिट कर दें। जो भी इसका मोड होगा ऑनलाइन मोड होगा, तो जो अदर डिटेल्स हैं वो एम्स जोधपुर वैकेंसी इसकी साइट्स पर देख सकते हैं। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में हम देख सकते हैं। जो भी इसका इसकी आगे इन्फॉर्मेशन जो है, इसकी 131 पोस्ट होने वाली हैं, और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी क्या क्या होनी चाहिए। तो कैंडिडेट शुड हैव MD, MS, MSc, PhD, तो ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका जो रिकॉग्नाइज्ड है बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से होना कंपलसरी है। और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाके देख सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो मैक्सिमम 45 ईयर है। एज रिलैक्सेशन SC, ST, OBC, PWD और PH कैंडिडेट के लिए दिया जाएगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो भी नेक्स्ट ये है इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है, स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन 24 जून 2022 से स्टार्ट हो गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरना, और जो भी लास्ट डेट है 22 जुलाई 2022 रहने वाली है। इसकी जो फीस डिटेल है, और जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये है, और SC ST कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 800 रुपये है। और फॉर मोर फीस डिटेल तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। इसमें हम ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो हमें नोटिफिकेशन दिखने लगेगा। जो पे स्केल है सीनियर रेसिडेंट पोस्ट पे स्केल जो लेवल 11 की रहने वाली है। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई जो कि मैंने बताया कि जिसका जो भी मोड होगा वो थ्रू ऑनलाइन होगा, और जो जॉब लोकेशन है जोधपुर राजस्थान की रहने वाली है। एलिजिबल कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके 22 जुलाई के पहले इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसका, पहले तो उसे एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा एंड इंटरव्यू, एंड सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसमें हमें फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, जैसा कि हर जॉब में होता है। और भी अदर नोटिफिकेशन जानने के लिए, फुल नोटिफिकेशन जानने के लिए कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए है, किस क्या पोस्ट है इसकी, तो इस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन सारी डिटेल हमें पता चल जाएगी। और इसे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई जो भी है तो ये ऑनलाइन मोड होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, तो इसकी भी नीचे ही साइड दी गई है। ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन जो दिया होगा इस पर क्लिक करके हम ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। और जो भी एडमिट कार्ड और रिजल्ट होगा तो वो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, तो आपको ये चेक करते रहना होगा कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे आप अपडेट करते रहिएगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसमें रिजल्ट भी जो है वो 31 अगस्त तक उसका रिजल्ट आ जाएगा, और जो वेटिंग होगी, वेटिंग जो भी हमारा रिजल्ट है उसके आफ्टर 6 मंथ आएगी ना। तो इस तरह से हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, और इसकी जो पे स्केल है मतलब जो भी अमाउंट होगा पर मंथ, इसकी जो सैलरी होगी वो 60,000 अबव होगी, क्योंकि इसमें मांगा है MD, MSc, PhD कैंडिडेट ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको ग्रेजुएशन बताया कि इसमें ग्रेजुएशन क्या चाहिए है, तो इसमें हमें MD और जो MSc कैंडिडेट हैं और जो PhD कैंडिडेट हैं वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी इसकी नोटिफिकेशन है या जो ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और उसी डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप जो साइट होगी उसको ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद।